हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? इन दिनों हम किसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है, 4 और 6 देख रहे थे, जिसमें 6 का बच गया था। 4 वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड का हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल चुके थे। तो हम लोग देख रहे थे कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ sp3 और कुछ dsp2, ठीक है। जनरली हम ये मान रहे थे कि जो स्ट्रोंग लिगेंड वाले कंपाउंड dsp2 का फॉर्मेशन करते हैं और जो वीक लिगेंड होते हैं वो जनरली sp3 टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है, हर केस में ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शनल केस भी है, ठीक है। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का भी हम कल डिस्कस कर लिए थे कि ये दोनों ही केस में क्या होता है, इनका ज्योमेट्री क्या होता है। ऑक्टाहेड्रल होता है, केवल इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है। कुछ क्या बनाते हैं d2sp3, तो कुछ क्या बनाते हैं sp3d2। तो हमने ये बोला था कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, जब इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा d2sp3, और जब वीक लिगेंड होगा तो क्या होगा sp3d2। अच्छा, अब कई बच्चे मेरे से ये पूछ रहे थे कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या कौन वीक लिगेंड है, क्योंकि बुक में तो पढ़ने से बहुत जगह हम देखते हैं कि अमोनिया कभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम कर रहा है तो कभी वीक लिगेंड, ठीक है। और कई जगह हम लोग देखते हैं वाटर के साथ भी वैसे केस अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, मैं आज इनका एक ट्रिक बताऊंगा या एक मेथड बताऊंगा, या हम कैसे डिटरमाइन करेंगे उसको भी बताऊंगा। तो मैं कल बताया था कि जो जितने भी लिगेंड है, ठीक है, उनके उन पावर के बेसिस में, ठीक है, उसके फील्ड स्ट्रेंथ के बेसिस में सबको एक सीरीज में क्या किया गया, अरेंज किया गया, और उस सीरीज को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये देख सकते हैं ये क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसमें क्या क्या है, जितने भी लिगेंड हैं उनको पावर के बेसिस में, उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्या क्या अरेंज किया गया। जैसे CONO देखो, ये क्या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड साइन है। इधर देखो, ये जो वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ये जितने भी हाईलाइट हो गए, ये सभी क्या है, वीक लिगेंड, ठीक है। तो इस सीरीज को देख के आप बता सकते हो। अच्छा, अब देखो इसमें भी क्या दिमाग में याद रखना होगा, जब मेटल का, ठीक है, मेटल में जब ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +2। जब मेटल में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +2, तो ये जैसे है, ये हाईलाइट हो गया, ठीक है, हाईलाइट हो गया, और मान लो H2O अमोनिया, मैं आधा आधा के थ्रू भी बता रहा हूँ, CONO+। तो अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा है, जैसे सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने क्या करते हैं हम, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा है, ठीक है, तो यहां से बोलते हैं ये, ठीक है, इधर का पूरा क्या होगा, वीक लिगेंड। सीरीज के अकॉर्डिंग पूरा सीरीज देख सकते हो, इधर का पूरा किसका काम करेगा, वीक लिगेंड, और इधर जितने भी लिगेंड है अमोनिया के बाद वाले, जितने भी लिगेंड है सब के सब किसका काम करेंगे, स्ट्रोंग लिगेंड का। अमोनिया के बाद वाले सभी लिगेंड किसका काम करेंगे, स्ट्रोंग लिगेंड का। क्लियर है? मतलब अमोनिया के इधर वाले ऑक्सीडेशन नंबर +2 में, ठीक है, अगर किसी भी मेटल अगर +2 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है तो वो क्या हो जाएंगे, वीक लिगेंड, और इधर वाले सब के क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो किसी मेटल में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +3, तब के केस में क्या हो जाएगा, यही सीरीज देखते हैं। तब के केस में यहां तक हो जाता है ये, ठीक है, वाटर इधर पूरा क्या होंगे, वीक लिगेंड, इधर क्या होंगे, पूरे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। वाटर के बीच वाले इधर क्या होंगे, वीक लिगेंड काम करेंगे, हाइलोजन हो गया वाटर वाले, और इधर के जितने लिगेंड होंगे, ठीक है, वाटर के इधर वाले सब क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम। अच्छा, वाटर के बीच में मैं क्यों, क्योंकि वाटर कुछ मेटल के लिए
प्लस थ्री वाले ऑक्सीडेशन नंबर के लिए स्टोन वीक लिगेंड का भी काम करता है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मतलब इसका एडियम हो गया टाइटेनियम हो गया वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। ठीक है, आयरन तक के लिए क्या होता है, वीक लिगेंड काम करता है, और कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ये सभी के लिए क्या होगा, वाटर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये मतलब बैरियर है। ये आयरन तक के लिए ये वाटर क्या होता है, वीक लिगेंड काम करेगा। ठीक है, लेकिन यही जो वाटर होता है कोबाल्ट से इधर वाले मेटल के लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम करेगा, और ये तो पूरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ही। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये क्या है, एक तरह का बैरियर। ठीक है, एक तरह का बैरियर है। इसके बाद वाले सभी लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे, प्लस थ्री अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन वाटर भी कुछ के लिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम करेगा, कुछ वीक के लिए। तो किसके लिए करेगा, आयरन तक जो मेटल आएगा उसके लिए वीक लिगेंड काम करेगा, और आयरन के बाद ठीक है जितने लिगेंड हैं उसके लिए वाटर भी क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करेगा। तो आप पहचान सकते हो ना, इसे तो पहचान सकते हो, ये ट्रिक है कि कब स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम करेगा और कब स्ट्रॉन्ग, जैसे हम बुक में बार बार देखते हैं। ठीक है, तो कहीं पर वाटर स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम करा, कभी वीक लिगेंड, कभी हमने स्ट्रॉन्ग बन जा रहा है कभी, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर पे डिसाइड होता है। ठीक है, मेटल को ऑक्सीडेशन में प्लस टू के लिए पता चल गया ना, अमोनिया के बाद वीक और अमोनिया के बाद स्ट्रॉन्ग, और प्लस थ्री वाले में वाटर के बाद वाले सब के सब क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और वाटर के इधर वाले सब वीक लिगेंड। लेकिन वाटर भी क्या करेगा, आयरन तक वाले मेटल के लिए प्लस थ्री में क्या होगा, वीक लिगेंड, और आयरन के बाद वाले के लिए सब प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर में वाटर भी किसका काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का। अच्छा, और एक चीज, अगर किसी भी मेटल में ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फोर आ रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, कि अगर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री से ज्यादा है, ठीक है, जैसे प्लस फोर हो गया, प्लस फाइव हो गया, प्लस सिक्स है, तो सभी के सभी लिगेंड क्या काम करेंगे, स्ट्रोंग लिगेंड का। ठीक है, तब हमको आंख बंद करके देखना नहीं है कि वहां पे क्लोरीन है कि वाटर है कि अमोनिया है, कुछ नहीं देखना है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री से ज्यादा है तो आंख बंद करके सभी के सभी लिगेंड किसका काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का, चाहे वाटर हो गया चाहे हाइड्रोजन हो गया। क्लियर है? और एक चीज, अगर मेटल जैसे ये सब हम लोग स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड का ये केस किसके लिए अप्लाई करते हैं, केवल थ्री डी मेटल के लिए। ठीक है, जैसे स्कैटियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, जो 3D सीरीज है उसके लिए बस, कौन सा ये जो कौन स्ट्रॉन्ग होगा कौन वीक होगा, ये प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर हम केवल किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, 3D मेटल के लिए। ये प्लस थ्री ऑक्सीडेशन, ये पूरा जो हम केस स्टडी कर रहे हैं केवल और केवल 3D सीरीज के लिए। ठीक है, अगर मेटल क्या हो 4D सीरीज है और 5D सीरीज है, तो हमको आंख बंद करके ये सब के सब किसका काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फोर के बाद वाले सभी के सभी लिगेंड किसका काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, उसी तरह अगर मेटल 4D और 5D वाला है तो हमको देखना ही नहीं कि लिगेंड कौन सा, हाइलोजन है कि वाटर है कि अमोनिया है कि कार्बोनिल है कि नाइट्रो है। ठीक है, सभी के सभी लिगेंड किसका काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग, ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, इन द केस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फोर टू अबव एंड इन द केस ऑफ मेटल इज 4D एंड 5D सीरीज। ठीक है, तो और एक बार रिपीट करता हूं कि अगर कोई मेटल 3D सीरीज में है, 3D वाला है, ठीक है, जैसे ये पता है ना सबको, ये सबको पता होगा कि जो 3D सीरीज है, जैसे हमने उस दिन भी लिखवाया था इसका एग्जाम, लैंथनम, टेटनम, हाफनियम, वैनेडियम, नेबियम, टेंटलम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मैग्नी, टेक्नीशियम, रीनियम, ओस्मियम, रोडियम, इरिडियम, निकिल, क्या होता है, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, एजी, एयू, जिंक, एडमर्थ। तो ये जो 3D सीरीज है, ये 4D और 5D, तो ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का केस केवल और केवल इस 3D सीरीज के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, इस 3D सीरीज के लिए ही अप्लाई होता है, जिसमें हम लोग बोले कि अगर प्लस थ्रू
ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो कौन स्टोन होगा, कौन वीक होगा, प्लस थ्री और प्लस फोर में के बाद तो सभी के सभी क्या होगा, स्टोन लिगेंड। 4D और 5D सीरीज में हमको देखने ही नहीं है कौन सा लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, देखने ही, क्योंकि 4D और 5D सीरीज में सभी के सभी लिगेंड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। उसके लिए केस अप्लाई नहीं, तो दो चीजों में केस अप्लाई नहीं, तो जब ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फोर और प्लस फोर से ज्यादा हो, और दूसरी जब मेटल क्या हो 4D और 5D। तो आई थिंक इतना क्लियर है और आप अब इस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, इसको लेके आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और आपके बुक में या कहीं भी कंपटीशन एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लेंगे। अब क्या करते हैं हम, कल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखे, आज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले किसी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल, कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर देखते हैं। तो हम सबसे पहले बहुत सी ज्यादा इजी एग्जाम्पल देखते हैं जो आपके बुक में बार बार दिखता है आपको, Fe H2O6 2 प्लस, इसमें आयरन ऑक्सीडेशन नंबर आयरन कितना हो गया प्लस 2, जब आयरन का क्या होता है 3D6 4H2 लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, छठवें नंबर में क्या होगा 3D6 4H2, हमको किसका निकालना है आयरन 2 प्लस का, तो ये दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा कितना होगा 3D6 4H0, ठीक है। अभी इसका ग्राउंड स्टेट बना लेते हैं हम लोग जल्दी 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 जल्दी, तो क्या हो जाएगा 3D6 है ये 4H0 और क्या होगा 4P, 4P के बाद इधर चाहे तो हम लोग 4D भी बना सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 इधर 0 है, ये इसका क्या है ग्राउंड स्टेट, अब एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट 1 2 टिक 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 टिक, ये हो गया जल्दी 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 जल्दी। आप देखो ये H2 क्या है, आयरन केस में क्या है ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा प्लस 2, तो ये क्या होगा वीक लिगेंड, और वीक लिगेंड जनरली क्या पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं करा पाता, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो ये ऐसे रहेगा, नहीं तो अगर इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग होता तो ये इधर इधर एक दूसरे के साथ क्या हो पेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जब हाइब्रिडाइज स्टेट होगा तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, केवल और केवल इधर चेंज हो जाएगा। अब देखो अब H2O को तो आना है, अपना लोन पे लेके आना है, क्योंकि उसको इसके साथ क्या होना हाइब्रिडाइज होना है, तो कहाँ ऑर्बिटल खाली, यहाँ पहला यहाँ आ गया कितने 6, दूसरा यहाँ आ गया, तीसरा यहाँ आ गया, चौथा यहाँ आ गया, पांचवा यहाँ आ गया, छठवा यहाँ आ गया, कौन है H2O लिगेंड, H2O क्या होता है एक तरह का न्यूट्रल लिगेंड, वाटर मॉलिक्यूल। अब हाइब्रिडाइजेशन तो काउंट कर लो, ये क्या है S है, P कितने हैं 3 और कितना है D2, मतलब क्या sp3d2, और हम बोल भी रहे थे अगर वीक लिगेंड होगा तो क्या बनाएगा sp3d2, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, तो आ गया आपका sp3d2। अब जल्दी से इसका ज्योमेट्री बना लेते हैं, ज्योमेट्री क्या बनाएगा ऑक्टाहेड्रल, बीच में क्या होगा आयरन, क्या है H2O, चाहो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी दिखा सकते प्लस 2, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शेप भी क्या होगा ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो इतना क्लियर है, समझ आ गया। अब क्या करते हैं हम इसी में देखते हैं कि H2O अभी तो वीक लिगेंड था, अब इसी केस में हम देखते हैं कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता। तो मैं क्या करूँ, कहाँ दिखाऊँ, इधर दिखा देता हूँ, देखो FeCN6 4-, एक और दूसरा कंपाउंड है ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, साइनेट क्या होता है नेगेटिव लिगेंड, तो 6N4 कितना होगा आयरन 2+, कितना आएगा आयरन 2+, यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना था प्लस 2, अब इस वाले कंपाउंड का आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है प्लस 2, सेम होगा इसका भी क्या आएगा 3D6, यहाँ तक तो पूरा सेम रहेगा, केवल हाइब्रिड स्टेट में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब पहले यहाँ क्या थे वाटर, अब किसके हैं साइनाइड के, ठीक है साइनाइड के, अच्छा एक्साइटेड स्टेट में भी चेंज होगा। अब देखो लिगेंड क्या आएगा साइनाइड, साइनाइड क्या है एक तरह का क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि
स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उसके बाद इतना पावर होता है कि वो लिगेंड का क्या करा देता है, पेयरिंग करा देता है, ठीक है, पेयरिंग कराना शुरू कर देता है। तो क्या करेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा। तो इधर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ साथ में आ जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ साथ में आ गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगा। अब देखो हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या होगा, मैं इसी डायग्राम इसी 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 के थ्रू इसी से बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसी से बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज ना होइएगा। क्या करते हैं, जल्दी से स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होगा, यहाँ से पेयरिंग हुआ। अब क्या होगा, जैसे ये यहाँ रहेगा, यहाँ से खाली है, तो अब इलेक्ट्रॉन भरने आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन अब साइनाइड से भरने आएंगे। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कहाँ से खाली है, यहाँ जो खाली जगह दिख रहा है, तो यहीं से भरना शुरू हो जाएगा। D2SP3, एक साइनाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड तेरा छठवा। हाइड्रोजन काउंट करो, ये क्या है, डी का डी टू, ये क्या होगा एस, क्या होगा पी थ्री, हाइड्रोजन क्या होगा D2SP3, ठीक है। और हम पढ़ भी रहे थे कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो क्या बनाता है, D2SP3, ज्योमेट्री सेम क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, ये क्या होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री सेम होगा, बस वाटर की जगह क्या कर दो, साइनाइड साइनाइड एंड साइनाइड। इसका भी बॉन्ड एंगल कितना होगा, ज्योमेट्री से बोथ हार क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल एंड बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। तो क्लियर है कि कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर, मतलब ऑक्टाहेड्रल या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, क्योंकि मैं इसको जल्दी से इरेज करता हूँ। अब क्या है, और एक एग्जांपल देख के समझाता हूँ, या एक दो और एग्जांपल, जैसे मान लिया जाए ये निकिल का रहता है, निकिल H2O6 2+, ठीक है, निकिल H2O6 2+। अब इसका देखो, जल्दी से निकालते हैं, निकिल का कितना आएगा, कितना आता है 3D8 4S2, ठीक है, क्या हो जाएगा 3D8, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, निकिल +2, तो क्या आ जाएगी 3D8 4S0, कितना आएगा 3D8 4S0। तो इसी से हम लोग देखते हैं ग्राउंड स्टेट था, ये क्या था 3D8 आया, ये 4S0, अरे क्या था 4, कितने इलेक्ट्रॉन, 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, तो इधर पूरा खाली रहेगा। क्या बोला था 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ज्यादा भर दिया क्या ये, ठीक है। अब देखो, अब जो वाटर मॉलिक्यूल है, कितना पेयरिंग होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ क्या है, ऐसे ये पहले का है, मैं उसी डायग्राम से बना रहा हूँ, बार बार कितना मिटाएंगे और बनाएंगे, इसी में उसी से बना रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से जल्दी 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 करते हैं। अब क्या है देखो, ये तो ऐसे था, अब देखो H2 क्या है वीक लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं करा पाएगा, तो ये यही रहेगा, ये दोनों पेयरिंग नहीं करा पाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से भरना शुरू होंगे, यहाँ से 1 2 कितने हैं 6 3 4 5 एंड 6, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया SP3D2, क्लियर है, समझ आ गया कि SP3D2 आ गया, ठीक है। अब देखो यहीं पे जल्दी से इसका हम क्या करते हैं, लिगेंड को चेंज कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बना देते हैं Ni, अब यहाँ थोड़ा सा अच्छा, क्या साइनाइड ले लें, क्या साइनाइड ले लेते हैं, चलो और भी एग्जाम्पल है बट साइनाइड ले लेते हैं हम लोग, 6 से 4 घंटे का कितना आएगा, निकिल 2+, इसका भी कहीं आएगा, ये भी निकिल +2 था, इसका भी निकिल +2 आ गया, सेम होगा, ये पूरा भरेगा, एक्साइटेड नेचर में केवल क्या होगा, चेंज होगा। अब देखो क्या होगा, लिगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पेयरिंग करा देगा, ये दोनों लिगेंड ये तीनों लिगेंड कहाँ थे, यहाँ थे,
अब देखो यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है, जहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात है क्या? देखो अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और मैं क्या बोला था कि अगर वीक लिगेंड रहेगा तो वो sp3d2 ही बनाएगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या होगा, d2sp3 बनाएगा। तो d2sp3 बनाएगा। अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन भर रहा है, ठीक है, कितना साइनाइड के यहाँ आ गए, 2 3 4 5, अरे 6, एक साइनाइड, दूसरा साइनाइड, 6 साइनाइड। तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, ये क्या है, d sp3 और एक d, ठीक है। तो देखो एक ही d ऑर्बिटल का आना चाहिए, लेकिन हाइब्रिडेशन dsp3dr है, जो कि गलत है। हमको हाइब्रिडेशन क्या लाना है, d2sp3, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन जो पेयर हुए हैं बाद में, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमको तो हाइड्रोजन d2sp3 ही बनाना है, इसीलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो पेयर हुए हैं, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं, ठीक है, इधर मूव कर जाएंगे इधर, ठीक है। इसको क्या कर देता है, खाली कर देता है, ठीक है, मेटल क्या करता है, इसको खाली कर देता है। और खाली क्यों करता है, ताकि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आके क्या हो, फिल हो जाए, ठीक है, हाइब्रिडाइज हो जाए, ताकि वो d2sp3 बना सके। अगर ये दोनों लिगेंड, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ रहते तो d2sp3 नहीं बना पा रहा था, अभी हम लोग देख रहे थे केवल d आ रहा था, dsp3d, इस टाइप से हाइब्रिडाइजेशन हो जा रहा था, ठीक है। इसीलिए क्या करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देता है, ठीक है। क्यों शिफ्ट करता है, क्यों, क्योंकि वो d2sp3 बनाता है। तो देखना आप बुक में देखे होगे, बहुत सारे बुक में या बार कई जगह पढ़ते हो तो देख रहे, बहुत जगह आप कंफ्यूज जाते हो, ठीक है। याद रखना आपको अगर ऑक्टेंडल आ गया तो d2sp3 वही बनाना है स्ट्रॉन्ग लिगेंड केस में, और वीक लिगेंड के केस में sp3d2 बनाना है। तो जब इस टाइप से केस आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ऑर्बिटल नहीं बच रहा, तो आपको d2sp3 बनाना है, तो इधर के इलेक्ट्रॉन का आप उधर शिफ्ट कर देना, ठीक है। उसी तरह sp3d2 आओगे और sp3d2 नहीं आ रहा वीक लिगेंड केस में, तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग उधर करा सकते हो, ठीक है, क्योंकि मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को उधर शिफ्ट करा देता है अपनी जो जो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसीलिए ये क्या करेगा, आप देखो उधर शिफ्ट करा दिया, तो अब अच्छे से क्या बना ले रहा है, sp d2 sp3, क्या हो गया, ये d2 हो गया, s क्या होगा, p3, एक लिगेंड यहाँ साइनाइड का आ गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्लियर है, स्ट्रक्चर वो ज्योमेट्री सेम होगा, वैसे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना है, टू इधर 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 क्या होगा, बोन एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दिमाग में रखने वाली चीज है कि हम इलेक्ट्रॉन को उधर शिफ्ट करा सकते हैं d2sp3 बनाने के लिए। इलेक्ट्रॉन को वीक लिगेंड के केस में जनरली देखने को नहीं मिलता, रेयर केस में एक दो मिल सकते हैं, लेकिन d2sp3 या स्ट्रॉन्ग लिगेंड केस में बहुत सारे कंपाउंड में तुमको ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या कराना पड़ेगा, d2sp3 बनाने के लिए शिफ्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, एक दो एग्जांपल दे देता हूँ आपको, आप उसको क्या करेंगे, बनाएंगे और मेरे को कमेंट सेक्शन में उनका आंसर बताएंगे। बहुत सारे बच्चे अभी एक्टिव हो रहे हैं, अच्छी बात है, आंसर बता रहे हैं, ठीक है, भले गलत आंसर बताए सही बताए, लेकिन आंसर जरूर बताएं, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में आंसर जरूर बताएं, ठीक है, भले गलत बताएं कम से कम, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट पढ़ रहा है या कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। ये चीज़ तो पता है कि अगर स्टूडेंट एक्टिव होगा तो ही टीचर एक्टिव हो पाएगा, ठीक है। अगर टीचर स्टूडेंट एक्टिव होगा, जितना एक्टिव अपना एक्टिवनेस से पढ़ेगा तो टीचर भी उतने एक्टिवनेस से पढ़ाएगा, ठीक है। अगर आप एक्टिव होकर पढ़ोगे तो मेरे को लगेगा कि हाँ बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनको समझ आ रहा है, तो मेरे को उतनी ही एनर्जी आएगा पढ़ाने के लिए, ठीक है, और मेहनत और उतनी ही ज़्यादा मेहनत करूँगा या और ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताने की कोशिश करें, भले गलत ही सही,
लेकिन आंसर जरूर ट्राई करें उसमें बताने के। तो देखो मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। पहला कंपन ये हो गया आपका, दूसरा और तीसरा क्या दे दूँ, क्या दे दूँ, चार दे देता हूँ और दे देता हूँ जल्दी से। टाइटेनियम, टाइटेनियम क्या, ओ एच, थ्री बने। ठीक है, ये चार कंपाउंड है, आप इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, जरूरी नहीं आप चारों ही क्वेश्चन या कंपाउंड को सोल्व, कम से कम आप एक का भी आंसर बता सकते हैं या आप दो का भी, जितना सोल्व हो जाए आपसे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप सही बताएं। ठीक है, आंसर गलत भी कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, वही वही जानने को पता चलेगा कि बच्चे ट्राई कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। चलो सबको थैंक यू।